दोस्तों, वेलकम है आप सबको मैजिक थ्रोन के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक मैजिक होने वाला है पेपर के साथ। दोस्तों पेपर और पेन के साथ एक बहुत ही ऑसम मैजिक में आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद वो मैजिक रिवील भी करूंगा। तो अगर आप नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये मैजिक। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास एक पेपर है जिसपे लिखा है मैजिक। दोस्तों ये मामूली सा पेपर है, लेकिन जब हम इसके ऊपर मैजिक या फिर जादू या कुछ वर्ड लिखते थे तो इसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। और मेरे पास एक पेन, दोस्तों ये ऑर्डिनरी सा पेन है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो अब मैं इस पेन को करूंगा इस पेपर के सामने, ठीक है। तो पेन को दोस्तों हम लोग रखेंगे इधर और इस पेपर को ऐसे एकदम मरोड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ पेन अभी इधर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस पेपर के अंदर कुछ एक ऐसा एक मैजिक पास देता हूँ दोस्तों, और अभी भी पेन के अंदर जल्दी दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करिए तो ये हो जाएगा। 1 2 3 एक स्नैप, और दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया है पूरा वैंस। दोस्तों आप लोग देख सकते हो पेपर है पूरा। दोस्तों ये था मैजिक, आई होप आप लोग ये अच्छा लगा तो प्लीज कर दी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस ऑसम से मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो दोस्तों कैसे मैंने ये मैजिक किया वो आप लोग जानना चाहते हो, तो दोस्तों इस मैजिक के लिए लगेगा आपको मतलब 2-4 मामूली चीज, ठीक है। वो है आपको चाहिए होगा इलास्टिक बैंड, ठीक है, या फिर रबर बैंड आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने 2-3 रबर बैंड को एक साथ ज्वाइन करके कुछ ऐसा बनाया है कि वो आपके अंदर है, ठीक है, और आपको एक फुल स्लीव टी शर्ट भी पहना हो। तो अब ये तो एकदम सिंपल है कि ये पेन हो जाता है इसके अंदर गायब, ठीक है, और ये बहुत दूर तक चला है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ऐसे दिखाओगे तब हो सकता है कि ये आपके हाथ में अटक जाए या फिर कभी कभी चला भी जाए। लेकिन अगर आप एक पेपर का यूज करोगे, मतलब पेपर या फिर रुमाल का, तो ये बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि वो अभी तक इस पेपर के अंदर ही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैं इस पेपर के अंदर रखा और ये है रबर बैंड, ठीक है। तो अब इस मुंह को एकदम गीला रखना है जिससे कि ये पेन अंदर जा सके। तो अब देखिए, ये मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो ये चला जाएगा अंदर, और ये एकदम ठीक से करना है आपको दोस्तों, ठीक है, ठीक एंगल से। और फिर आप बताएंगे कि ये पेपर के अंदर है और वो ठीक, और वो जाएगा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अपने।